गई। तो भाइयों और भाइयों, उनकी बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि निकिता थोड़ा ऐसे हो रही है, अभी तक देख तो ले तो ठीक है, हो गया जो हो गया। तो क्या बस ऐसे बोले, मैंने कहा भाइयों और भाइयों, फिर ऐसे बोली भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है ना? तो ठीक है, ऐसे मान लेते बाकी ले तो सारे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं आज हम लोग, थोड़ा सा मैं गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिमा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा, वो नियम थे चार, उनको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं नियमों को हमें फॉलो करना है और डायग्राम बनाने ताकि याद हो जाए। तो पहला नियम क्या था, तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन से दर्पण की, अवतल की, मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम था कि मुख्य अक्ष से समांतर जो भी रेज आएगी वो 100% पक्का फोकस से ही निकल के जाएगी परावर्तन के पास। और दूसरा था इसका उल्टा, फोकस से अगर, हाँ, अगर आने वाली किरण कहाँ से आए, फोकस से आए, तो पक्का मुख्य अक्ष से इधर से आ जाए तो क्या दिक्कत है, तो भी फोकस मुख्य अक्ष से समांतर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यस सर। अजी सलाह दे दे, भूल गया था मैं, अजी अजी स्वीट को मैं कहने वाला, मैं तो दूर दूर तक स्वीट नहीं हूँ, पहला दूसरा मैं स्वीट हूँ, वो एक 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 बच्चा बोलता था सर आपका ना मैंने घर्षण है, क्यों क्यों आप इतने ज्यादा रिजिड रहते हो, मतलब मूवी थोड़ा ऐसा है ना, बड़ा सख्त सख्त त्वचा, चलो दूसरा क्या है, घर्षण क्या होता है, हाँ फिजिक्स स्टूडेंट हो तुम, कैसे कैसे बच्चे उठ के आ रहे, घर्षण नहीं पड़ा क्या, नहीं पड़ी क्या, तो फिर ऐसा हाँ घर्षण इसको बोलते हैं, एक सतह, हाँ तो समझा रहा हूँ ना, एक सतह में बेइज्जती करके समझा रहे हो बेटा, ऐसी चीज पूछ रहे हैं, चलो तो क्या हो गया, घर्षण फिजिक्स का पार्ट, जब एक सतह से दूसरी सतह पर इस टाइप से एक सतह पे दूसरी सतह को हम ऐसे चलाते ना आगे, ऐसे तो ये वाली, ये हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये वाली सतह इसको पीछे की तरफ धकेलती है, आगे जाने का विरोध करती है, मतलब दो सतहों में जो गति होती है ना, उस गति का विरोध करने वाला बल कहलाता है घर्षण। अगर हम आगे जाना चाह रहे हैं तो उसको पीछे लेके आता है घर्षण, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण कारण ही हम लिख पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम गाड़ी चला पा रहे हैं, हाँ घर्षण के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, सोच लेना शाम को बताना मेरे को, हाँ घर्षण के कारण बोल पा रहे हैं, सोच के बताना कैसे। चलो क्या टॉपिक पर, दूसरा क्या था, दूसरा देखो, दूसरा का तीसरा देखो, कि वक्रता केंद्र से अगर आएगी तो वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी। और फोर्थ क्या है, वैसे फोर्थ को ये नियम नहीं है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितना एंगल से आएगी उतने एंगल से ही जाएगी, ठीक है, ध्रुव पर, लेकिन किस पर, ध्रुव पर, ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, तो गोलीय दर्पण भी दो टाइप के होते हैं, उत्तल और अवतल, आज हम अवतल और उत्तल दोनों पढ़ लेते हैं, फिर कल हम डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है ना। मनीषा बेटा ऐसे ऐसे रुमाल यूज करती तू, वो तो मैंने ले लिया है, आप यूज कर रहे हो, मेरा तो वो रखा ना, उससे मिटा दो एक बार, नहीं बेटा ऐसे, अच्छा तो लिखो हेडिंग डालो, मतलब रबी यूज किया कल थोड़ा बहुत, पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना या बनाना, जो भी आप लोग लिखे सर, कोई आया है लगता है, आने वाले अंदर आ जाओ भाइयों, इंग्लिश भी लिख लो, हो रहा था ऐसे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, छह स्थितियों में रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे ना, और देखेंगे कि जो बिंब है, जो इमेज है, वो कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। दसवीं में पढ़ चुके हैं चीजें, अगर तुम दसवीं में थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे तो आपको रिकवर या रिकॉल या जो भी आप बोलते हो याद हो जाएगा आपको। चलो पहला स्थिति है, पहला स्थिति जब वस्तु, जब अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, अनंत पर,
अनंत पर हो, ठीक है ना। जबस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। बेटा तू बैठे बैठे इसमें बंद है। जबस्तु कहाँ पर हो? है ना, एक दूसरे तेरा ने इसमें है उसे खोल। तो देखो अनंत पे हो तो क्या होगा। अच्छा ये तो याद है ना आप लोगों को कि जो रियल होगा वो उल्टा बनेगा। yes, sir. समझा दिया था। yes, sir. और जो सीधा होगा वो सीधा, वो जो वास्तविक आभासी होगा वो सीधा, आभासी होगा, आभासी होगा वो सीधा है, सीधा होगा वो आभासी, और जो वास्तविक होगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और समतल दर्पण में इरफान खान बताएंगे समतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सर सम उल्टा। अच्छा तो मुझे देखता था उल्टा दिखता बस सीधा सीधा और आभासी। पढ़ नहीं रहा है तो कर नाक पे दूंगा। पढ़ नहीं रहा दे रहे कुछ नहीं, नाक पे मारते हो वो नहीं भाई के। बस तो भाई थोड़ा पढ़ के आओ ना यार, देखो ऐसे बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करो। बरगी खुली नहीं रहा देखो तो अनंत पे देखो फटाफट। ये हमारे पास क्या है बेटा, बोलते हैं चलो दर्पण। ये क्या है इसका? ध्रुव। ध्रुव पूरा बोलना है, मुख्य अक्ष। सुपीन बोला तो देख ले वो ऊपर नहीं पूरा तो मेरी गलती है, सब में मेरी गलती। अच्छा जब जब वस्तु अनंत होती है ना, अनंत पता नहीं कितनी दूर है, तो उससे किरण हम हमेशा सीधा लेंगे। सीधा का मतलब है कि वो मुख्य अक्ष समांतर लेंगे दो। और मैंने बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रेज होना जरूरी है। रेज दो रेज बेटा उसमें लिख रहा है, तो इधर देख कंटिन्यूस यार, इधर देख सब चीजें। जो नोट्स वाला होता है पढ़ा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा ना वो मैं पढ़ा दूंगा। अरे जो लिखा है वो मैं लिखा दूंगा अलग से, ऐसे बोल रहा हूँ। अब देखो अनंत से रेज लानी है ना, तो चाहे एक रेज ऊपर से एक रेज ऐसे लिया, चाहे दोनों रेज ऊपर से लिया, चाहे दोनों रेज कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, रटना नहीं है। तो पर दो रेज एक यहाँ से लिया आते हैं मुख से समानता, एक यहाँ से भी आते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये दो रेज आते कम से कम अनंत पे जो प्रतिबिंब है उसमें बिंब है वो इतना बड़ा होगा। अभी अनंत पर है ना इसलिए हम नहीं बना रहे, इसलिए हम नहीं बना रहे, लेकिन कम से कम इतना बड़ा तो है वो। क्लियर? yes, अच्छा अब चारों नियम फॉलो करवाओ। ये दोनों किरण कहाँ से आ रही है, कहाँ से जाएंगी? फोकस। और ये भी फोकस। क्लियर है क्या? ये फोकस क्लियर है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के लिए कौन सी किरण का मिलना जरूरी है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण का? परावर्तित किरण कब बनती है? जब तक आने के बाद जो किरण है। ये दोनों परावर्तित किरण हुई ना, यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोनों देखो कितना छोटी जगह पे मिल रही है, पॉइंटेड जैसे मिल रही है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देख लो। प्रतिबिंब की विशेषताएं तो छह विशेषताएं होती है, कितनी बेटा? छह की छह याद करनी है। सबसे पहली विशेषता है कि बिंब वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। क्यों बन रहा है वास्तविक? रियल में मिलता नहीं है दोनों। प्रतिबिंब कैसे बन रहा बेटा? वास्तविक बन रहा है। रोक दे सर, वास्तविक बन रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रोक लो यार, तुम लेट कैसे हो रहे हो? अच्छा वापस चालू तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा देखो तो सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। दूसरा वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, बाद में फील आ जाएगा, उल्टा होगा बाद में फील हो जाएगा ना, बाद में आगे पढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि बहुत छोटा बन रहा है। देखो दोनों किरण एक जगह मिले, मतलब बिंदुवत 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 मतलब बिल्कुल पॉइंटेड। जैसे अपन बहुत दूर चल जाते हैं ना कांच में, या कांच रख दो बहुत दूर से देखो तो आप बिल्कुल पॉइंट सा जैसे देखो, है तो पूरा आदमी है पूरा, लेकिन वो बिल्कुल बहुत छोटा बिंदुवत। मैंने डिमिनिस्ड मतलब बहुत ज्यादा, डिमिनिस्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा बिंदुवत। चौथी चीज ये है कहाँ पे बनेगा? फोकस। कहाँ पे बनेगा? फोकस। आज अच्छा चल रहा है, बोर्ड पे मार कर पता नहीं सर, मैंने साफ रहा पानी डाल डाल के। अच्छा और जो पांचवी विशेषता है वो देख लो, पांचवी विशेषता वो सुन लो क्या, कि पांचवी विशेषता है आवर्धनता। आवर्धनता वो सुन लो पहले, आवर्धनता क्या, मैंने पढ़ाई नहीं, पहले सुन लो आवर्धनता क्या। आवर्धनता
मैग्निफिकेशन एम से लिखेंगे तो एम बराबर होता क्या है, आवर्धनता का मतलब क्या है कि जो बिंब है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा है, किससे जो प्रतिबिंब है ना वो बिंब से कितना छोटा बना या बड़ा बना उसकी वैल्यू को बताता आवर्धनता, ठीक है, कितना आवर्धित किया है, कितना बड़ा बना के दिया है, ठीक है ना, छोटा होगा उसका भी पता चल जाएगा, उसके बराबर बनेगा उसका भी पता चल जाएगा, उससे बड़ा बनेगा उसका भी पता चल जाएगा एम से, ठीक है ना। तो एम साइज बताता है किसकी, प्रतिबिंब की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, आवर्धनता एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, कितना बड़ा है प्रतिबिंब, बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश लिखना चाह रहे हैं, इसको लिखो एच, तो एम बराबर हो गया एच एच सॉरी एच डैश अपॉन एच। और इसकी डेरिवेशन है, अगर यू वी की फॉर्म में निकालेंगे ना, वी जानते हो ना वी क्या है, बिंब दूरी, यू क्या है, वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, कई बार उल्टा सुल्टा निकल जाता है, यू क्या है, बिंब, ठीक है। तो अगर यू वी की फॉर्म में निकालेंगे ये फॉर्मूला ऐसे बनता है वी अपॉन यू, अगर दूरी की फॉर्म में निकालेंगे ना तो ऊपर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा इसमें, क्या आएगा, उसकी डेरिवेशन हम कल करवाएंगे ना, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे करते हैं। तो ये है, ठीक है ना, इतनी सी चीज छाप लो कहीं पर भी इन्हीं नोट्स में, बता दिए नहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धनता है, इसी में कर लो यार, वो एक जन एक नोट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है आगे लिख रहा है, ठीक है अब आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, आगे लिख रहा हुआ कहीं इधर आ जाओ, फिर अरे लिख रहा है ना, एक जन देख ले, चार जने को देख लो, अभी देख लो, पहले समझ लो इसको, इसके लिए एम की वैल्यू क्या है देखो, तो इसके लिए एम की वैल्यू मैं कहां पर यहां पे समझा दूं, देखो इधर देख लो सुकून से, तो m बराबर बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है ना, अच्छा वास्तविक बना होगा, और वास्तविक कैसे रहते हैं, तो उल्टे के लिए नीचे की तरफ बना होगा वो, और नीचे की तरफ बनने वाले को माइनस लिखते हैं, याद है ना, तो माइनस का क्या होगा एच डैश, और नीचे क्या होगा एच, ये तो है अच्छा बना, बिंब प्रतिबिंब नीचे तो बना होगा उल्टा, तो इसके लिए माइनस लगा दिया, और बिंब तो ऊपर ही है, ऊपर ही लेंगे हम लोग, तो ये एच, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत छोटी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक से बहुत कम आएगी, तो पहले तो ये देखो एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पहले तो इस पाओ कैसी आ रही है, नेगेटिव है ना, और जब एम की वैल्यू नेगेटिव होती है तो बिंब हमेशा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनते हैं, लिखो ऊपर ऊपर जल्दी लिखो स्पीड में, एम की वैल्यू दर्पणों के लिए ना, एम की वैल्यू ऋणात्मक होने पर एम की वैल्यू, लेकिन ये सिर्फ दर्पणों में है ना, एम की वैल्यू ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, एम की वैल्यू ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आप देख लो अभी तक देख लो, बस हो गया, तो m की वैल्यू नेगेटिव है, दूसरा देखो m की वैल्यू बहुत छोटी आई किससे, एक से, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करो सीधा, बस नेगेटिव अलग रखो मैग्नीट्यूड अलग रखो ना, मैग्नीट्यूड में माइनस माइनस मत घुसाओ, तो m की वैल्यू एक से बहुत छोटी है, जब m की वैल्यू एक से बहुत छोटी हो तो इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, क्या बोल रहा हूं, एम की वैल्यू एक से बहुत छोटी हो, देखो यहाँ पर बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी का भाग छोटे में देते हैं ना, तो एक से बहुत कम आता है, तो जब एम की वैल्यू एक से कम आती है ना तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, क्लियर है, बोलो, और अगर एम की वैल्यू एक आए, एम की वैल्यू इसका मतलब है जितना बड़ा बिंब है
प्रतिबिंब की ऊंचाई है उतनी बड़ी बिंब की, तो तभी तो कट के एक आएगा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार भी बिंब के आकार के बराबर ही है अगर एम की वैल्यू एक है तो, और अगर एम की वैल्यू एक से बहुत बड़ी है तो एक से बड़ी, इसका आंसर एक से बड़ा कब हो सकता है, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। बोलो ना, पॉजिटिव नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, वैल्यू की बात करो सिर्फ। एम ये क्या, ऊपर बिंब प्रतिबिंब, नीचे जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा जबी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ी आएगी। जैसे ऊपर 10 नीचे 2 जबी तो कितना आ रहा है 5, ये एक से बड़ा तभी तो आएगा। एक से बड़ा कब आता है, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। हर में कौन है बिंब, अंश में कौन है प्रतिबिंब, देख लो कौन बड़ा है प्रतिबिंब, जबी तो एक से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो जब एम की वैल्यू एक से बड़ी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बोलो बड़ा, जो इमेज है वो बड़ा बनेगा, ठीक है ना, पक्का याद रखोगे, बोलो। और ये बराबर, ठीक है ना, बोलो ना, क्लियर है। हाँ, ये दो चीज और लिख लो फटाफट कहीं भी मिटा रहो। ये दो चीज कि एम की वैल्यू एक से कम तो छोटा बनेगा। सर ये एच डैश वाले फॉर्मूले में भी माइनस आएगा, माइनस माइनस के चक्कर छोड़ो तुम, यहाँ पर ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा यू वाले फॉर्मूले में, लिख लिया। ठीक है बोलो, लिख लिया, लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लिखा हुआ अच्छी बात है, नहीं लिखा, चलो कोई बात, अब इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, पहला केस आ गया जब अनंत पे था बिंब, तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, ध्यान रखो अनंत पे था तो क्या बना है फोकस, अनंत से थोड़ा सा हम आगे खिसक रहे, इधर आ रहे हैं, तो इसकी इसकी भी शक्ल देखना है किधर किसके, ये अभी तो कहां बना था फोकस, अब देखते हैं अब कहां बनता है, कब, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, सी के अनंत और सी के बीच, या ऐसे कह दो सी के परे हो, सी के परे हो मतलब परिमित दूरी हो कोई, क्या हो बेटा, अनंत तो नापी नहीं जा सकती ना, परिमित दूरी हो मतलब हमें देखना चाहिए क्या बिंब कहाँ रखा हुआ, अनंत पे तो नजर नहीं आया था ना मैं, तो देखो कैसे होगा, ध्यान रखना अनंत वाला कहाँ बना था, देखना ये इधर खिसकाया इधर खिसकाया, हमने बिंब तो आगे खिसकाया, इसकी शक्ल देख के चलना है किधर किसका है, ठीक है, ये सफेद नहीं हो पा रहा अनीस, देखो देखो ये क्या है, क्या है अवतल, और ये क्या है, अब ये मान लो फोकस और ये मान लो वक्रता केंद्र, तो यहाँ पर रख लो इसको, इसका नाम दे दो ए बी, बिंब का नाम है ए बी, क्या है ए बी, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी रे चाहिए कम से कम बेटा, दो, कम से कम दो, एक रे लेके आओ, एक रे तो पक्का रखो, मुखर से समांतर लेके आओ, वो कहाँ से जाएगी फोकस से, अगर आप स्केल लेके बैठोगे तो इजीली बनेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद से हाथ से बनाओगे बिना स्केल के तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, दूसरी एक रे तो ले ली, एक रे और निकालने से, तो आपके लिए ऑप्शन क्या है, समांतर तो लाने नहीं है, समांतर तो हम लिया है, अब ऑप्शन है या तो आप यहां से गुजार दो, या तो आप फोकस से गुजार दो, या तो आप यहां से ले आओ, आपकी मर्जी, तीन ऑप्शन आपके पास, नोट्स में कहां से गुजार रखी है, रटना है ही नहीं है ना, तुम्हारी मर्जी है वहां से गुजार दो, बोलो बोलो, इसने कहां से गुजार रखी है फोकस, फोकस से गुजार, वक्रता के फोकस से गुजार रखी है, चलो फोकस से गुजार दो, हटाओ ऐसे कैसे रख लो, ठीक है, कहां से जाएगी मुखर के, भाई समांतर आई फोकस से गई, अब आप फोकस से ले लो दूसरी तो मुखर के समांतर चल जाएगी, क्लियर है, तो दोनों कहां पे मीट हो रही है, यहां पर सी और एफ के, ठीक है ना, सी और एफ के मध्य, सी एफ के बीच कहीं पर भी, क्लियर है क्या, yes, बोलो, रटना नहीं पड़ेगा, आप सुनो
दूसरा चलो अब इसको तो याद रख लो, दूसरा देखो यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपतित हो गई, यहाँ पे करवा लो आपतित हो गई, जितने डिग्री के एंगल से आएगी ये है, जब मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ ऊपर जा रही तो ये ऐसे जाएगी ठीक है, यहीं पे काटेगी इसी जगह पे काटेगी तो वहीं से ठीक है ना, क्लियर है क्या? एक और ऑप्शन था यहाँ से लाने का, क्लियर है क्या? लेकिन आप तो ये क्या बोलो, तो यही है क्लियर है क्या? तो कहाँ पे बन रहा डायग्राम देख लेते हैं अभी ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे मीट करें, यहाँ पे डायग्राम बन गया, तो इस एरो को ए डैश लिखो और इसको बी डैश लिखो ठीक है ना। तो देखो प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या रहेंगी, वास्तव में इन्हें पहले बात तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब रियल बनेगा, और वास्तविक तो देख लो उल्टा ही बनता है, उल्टा बन रहा है। अब देखो अनंत से यहाँ पे बना था तो इधर खिसकता जा रहा है, जैसे आप उधर आ रहे हो ऐसे से इधर खिसकता है। अच्छा ऐसा नहीं कि फोकस से डायरेक्ट इसको उंगाल के चला गया, नहीं फोकस पे था, फोकस को उंगालेगा, फोकस से आगे जाएगा फिर यहाँ बनेगा, फिर अगले में यहाँ बनेगा, फिर अगले में इसको उंगालेगा, ऐसे है ना जैसे आप ऐसे नहीं कर, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं उगालना है, एक टॉप दो पॉइंट को एक साथ नहीं उगालना यार, यहाँ से अब यही जाएगा फिर यहाँ से फिर आगे जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसे से। कहने का मतलब ये यहाँ देखो क्या है वास्तविक उल्टा, तीसरी बात क्या है छोटा बन रहा है देख लो, अब पहले बिंदुवत ही तो था तो थोड़ा सा ही तो बड़ा होगा, अभी भी छोटा ही रहेगा। चौथी बात क्या थी बोलो, बोलो स्थिति कहां पर है, सी और एफ के मध्य, के मतलब सी का नाम क्या है वक्रता केंद्र, और एफ का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल फोकस के मध्य, क्लियर है? और एम पांचवी चीज एम, यहाँ पे एम देखो, एम पहली बात पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो देखो, ये नीचे है तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैसे ये बताया इरफान, कैसे नेगेटिव वापस ये बताना सर, हाँ आनंद है ना, यही तो है, ये है बिंब ऊंचाई, ये है ये प्रतिबिंब ऊंचाई, ये बिंब ऊंचाई, तो प्रतिबिंब ऊंचाई देखो नीचे की तरफ है ना तो माइनस के एच डैश है, और ये एच क्या है बिंब, ये ऊपर है तो प्लस के एच है, तो प्लस माइनस करो तो माइनस ही रहेगा। पहली बात तो क्या है एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो वास्तव में क्या बनता है वास्तविक, वास्तविक बनता है नेगेटिव का, क्लियर ना? यस सर। बोलो ना? यस सर। दूसरी एम का मान देखो मैग्नीट्यूड से है ना, ठीक है माइनस तो देख लिया ना, अब देखो एम की वैल्यू, अब देखो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई है ना, इसकी वैल्यू तो अभी भी ये छोटा ही है ना, ये बड़ा है तो एक से बहुत कम नहीं, बहुत कम छोटा नहीं है, एक से छोटा जरूर है लेकिन बहुत कम छोटा नहीं है, तो एम की वैल्यू एक से कम है तो अभी भी क्या बनेगा छोटा बनेगा, कैसे बनेगा छोटा, तो ये एम ही दो चीज तो ये बता देता है वास्तविक बनेगा या छोटा बनेगा, इसमें तो दो चीज तो ये बता देता है ना एम, ठीक है ना? बोलो यस सर। ये किसकी विशेषता भाई, प्रतिबिंब की जब वस्तु अनंत और सी के मध्य या सी के पर है, ये कोई परिमित दूरी को जो हमें नजर आ रहा है ठीक है ना? यस सर। बोलो यस सर। इस उसमें लिख रही है सब चीजें, कुछ और कम है तो ठीक है। अब थर्ड स्थिति क्या आएगी देखते चलना, ये थोड़ा सा उधर अपन उसको बिंब को आगे ला रहे थे पीछे जाता जा रहा है, अब तीसरी स्थिति क्या लेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो मैंने कहा था ना उधर से भी लाओ तो पॉइंट मत उघालना, तो वहां पर अनंत पे था, अनंत वक्रता केंद्र के बीच आ गया, वक्रता केंद्र पे लिया है ना दोनों साइड से, तो आपने उघालोगे तो इधर से भी नहीं उघलेगा, देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये अवतर दर्पण, ये हो गया फोकस, और सपोजिट ये हो गया वक्रता केंद्र सी ठीक है ना, इतने प्यार में प्यार हो थोड़े पास पास बना लेते हैं एफ, और आपको पता नहीं डबल होगा याद रखना, अभी कराई नहीं मैंने करा होगा एफ दोनों फिर जाएगा सी, अब कहां पर रखो सी पर, क्या है ए बी नाम है बिंब का ए बी ठीक है, दो रेज लाओ कम से कम एक रे तो कहां से लानी है मेन एक्सिस के पैरेलल, यस सर, तो कहां से जाएगी ये बताएगा अमानुल्लाह, कहां से जाएगी रे बेटा रिफ्लेक्शन के बाद, क्यों
समांतर है ना, तो समांतर फोकस से थोड़ी जाती है। अरे भाई कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से। वाह फोकस से जाएगी, पहला नियम ये था, स्टार्टिंग नहीं पड़ा। बेटा मैं कई बार ऐसे पूछता हूँ, जैसे तुम्हारा अब्बू तुम्हारे सामने खड़े हैं, मैं कहा तुम्हारा बुक बुला के लाओ, तो आपने अपने बुक बुला के लाया, मैं जोर से, फिर मैं जोर से कहूँ ये तो अब्बू है कोई, तो तुम डर के अपना अब्बू चेंज मत कर, नहीं मेरा अब्बू तो यही है भाई। अब मैं कंफ्यूज करके पूछता हूँ तो तुम तो आंसर ही बदल देते हो, ऐसे अब्बू नहीं बदले जाते। तेरे ऊपर बोल रहा हूँ मैं, तेरे ऊपर तू बदल रहा है। पता है कि वो कैट्स के समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी? तो इसमें सब तेज पूछे चाहे धीरे पूछे, नियम है ना, नियम चेंज है, नियम चेंज नहीं तो कहाँ से जाएगी? फोकस से, फोकस, ठीक है। कहाँ से जाएगी? लेकिन मैं चीज को मैंने हाईलाइट नहीं किया, बैठ जाओगे दोनों, देख लो आपका आवाज पहचान में नहीं है कौन बोल रहा था। अभी देखो ए बी है तो पहले मुख से समांतर ले लिया एक किरण, बात जाएगी, अब दूसरे करण आपकी मर्जी, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ से या यहाँ से गुजार दे, पहले करें तो यहाँ से गुजार दे, ठीक है। तो कहाँ से जाएगी ये? मुकस से समान, फोकस सही है तो मुकस के समान, ठीक है ना, फोकस बीच में आएगा। देखो ये सही बना बेटा, लेकिन मसला क्या है कि आप लोग जब स्केल से बनाओगे ना तो एग्जैक्ट सही बनेगा, आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। और ये मुझे तो याद है कहाँ से काटेगा, यहाँ पर काटेगा। वक्रता केंद्र ऐसा बिंदु है कि अगर वक्रता केंद्र पर अपन ने वस्तु रखी तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। जब ऐसा मतलब कहीं कहीं तो आदमी ऐसे उधर से वो आ रहा उधर से आ रहा तो कहीं कहीं मीट होता है ना, आप दोनों बराबर है, जहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब मीट हो रहे वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा एक, ये एरो है, ये एरो तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे दे दो ए डैश और यहाँ पे दे दो डैश, यहीं पे बनेगा। तो एक सिंगल केस है जिसमें प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो कब? जब वस्तु कहाँ पर हो? याद रखनी ये चीजें, और आप लोग स्केल और वो लेके बैठोगे तो एग्जैक्ट नजर भी आ जाएगा। तो प्रतिबिंब विशेषता में नंबर एक क्या है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनता है वास्तविक, हमेशा नजर भी आ रहा है। तीसरा कहाँ पे बनेगा? इसको चेंज कौन करेगा? ऊपर से क्या था केस तो चेंज करो, थर्ड केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? सी पर, इसको मत मारो बेटा सर, मारेंगे गलती से लग गई, इसके फायदे की बात बताइए। उन्होंने दो तीन बार मार दी इसके गलती से, ऐसे इसने इसके मार दिया। तो वास्तविक और तीसरा देखो बेटा, इधर देखो बराबर बनेगा ना सर, देखो सही हो गया, बराबर बनेगा, कैसे बनेगा? और फोर्थ है, फोर्थ क्या था? कहाँ बनेगा? जहाँ पर बिंब था वहीं पे, तो सी पर ही बनेगा, ठीक है ना, सही तरफ का नीचे पे। और फोर्थ है एम, फिफ्थ है एम, एम बराबर क्या होगा? जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये, एक एच डैश भी उतना है जितना एच है, दोनों बराबर भाई, एच डैश बराबर क्या है एच है। एम की वैल्यू सबसे पहले तो पॉजिटिव आ रही है और वन आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, अच्छा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अभी भी नीचे है ना, एच डैश क्या होगा? नेगेटिव, एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव है तो 100% कैसा होगा? रियल है ना। और दूसरी बात एम की वैल्यू देखो, जितना एच डैश है उतना ही एच है, दोनों बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन, मैग्नीट्यूड में कितनी आएगी? जब वन होता है तो बराबर होगा, ठीक है ना, जितना बड़ा बिंब उतना ही बड़ा, कौन सा केस हो गया? तो आप बिंब को ऐसे लाते जा रहे तो प्रतिबिंब ऐसे जाता जा रहा, और कहाँ पे मिल गए दोनों? वक्रता केंद्र। हाँ बेटा
बात नहीं मैंने अब है केस नंबर चार। अब इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचाना है, बीच में रखना। कहाँ कहाँ पर आएगा बताओ? सी और एफ के बीच। तो देखो सी और एफ, आज सर्दी कुछ ज्यादा नहीं है क्या? जर्सी पहन लगे फिर भी सर्दी लगे। तो देखो नहीं, वो बाइक चला के आता ना इतनी दूर से, इसलिए। चलो देखो ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल। अवतल। और ये क्या है? और ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? यहाँ पे लिया है हम लोग, अब यहाँ पे लाओ। किस किस के बीच केस क्या है? ऑब्जेक्ट किस किस के बीच हो? सी और एफ के बीच। ठीक है, तो वही दो रे लेनी। एक रे कहाँ से ले भाई? अमानुल्ला एक रे कहाँ से ले? एक रे कहाँ से ले? एक चरण किधर से ले? अंदर से ले। एक रे हमेशा मुख्य के समास कर रहे हैं यार। चौथा केस है ये। सर यूट्यूब पे देख लिया क्या है? अंदर में ले रहे इधर। तो कहाँ से लेनी है? मुख्य के समास। याद रखो तुम लोग। अब तुमने गलत बोला ना, तो मैं नाक तो दूंगा। तो ये मुख्य से समांतर कहाँ से जाएगी भाई? ये बताएगा तो कहाँ से जाएगी? कोई नहीं बोलेगा मुख्य से समांतर आते हो कहाँ से जाएगी? एफ से। फोकस से जाएगा। ठीक है, कहाँ से चली जाएगी? एफ से। अच्छा, दूसरी रे कहाँ से गुजार भाई मनीषा? कहाँ से? तो बताया था, दो ऑप्शन बचे हैं बस, एक यहाँ रे, यहाँ यहाँ से गुजार दे। ठीक है, तो वो ऐसे बड़ा हो गया ना सर। हाँ, वेरी गुड। आगे बनेगा सी से। ठीक है, ऐसे पोले पे भी सकते हैं सी से गिरा से। हाँ, वो एक ही बात है, सी से गिरा दो। वही सेम यही काटेगी यही पर। यहाँ से ऐसे सी से उल्टी लाया। मैं ध्रुपद गिराने की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो कहाँ पे बना है, कहाँ पे काट रहा है? सी के पर है, यहाँ पर। ठीक है ना, सी और अनंत के बीच। हाँ, तो ये था ए, ये था बी, तो ये एरो नीचे चला गया, तो ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, एक करण ये थी, एक करण थी, दोनों ने यहाँ पे मीट किया है। तो प्रतिबिंब विशेषता पहला वास्तविक है, उल्टा बड़ा नजर भी आ रहा है। अब एम की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए। और चौथी का बन रहा है अनंत वह सी के बीच। क्लियर है क्या? कैसे कह दो? सी के परे, या क्या कह दो? सी के परे, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। ठीक है, और एम और देख लो, एक से बड़ी है। एम देखो माइनस के एच डैश बटे एच, ये माइनस के एच डैश, एच डैश से देखो नीचे की तरफ है तो माइनस था, तो नेगेटिव आई एम की वैल्यू, नेगेटिव है ना। तो कैसा बनेगा वास्तविक? तो ऑफकोर्स वास्तविक है। और देखो कौन बड़ा है? एच डैश बड़ा है। किससे? एच से। ये चीज बड़ी है तो एक से बड़ा आएगा। एम की वैल्यू एक से बड़ी है, इसलिए क्या होगा? बड़ा। कौन बड़ा? ये रहा। क्लियर है क्या? ठीक है ना, अब कोई गलत नहीं बोलेगा पांचवे केस में। ठीक है ना, कोई गलत है नहीं बोलेगा। अब कौन बोलेगा डिसाइड कर लो पहले, मैं मिटा लू जब तक। बोलो कौन बोलेगा? मैं बोलूं? इरफान भाई। हाँ, ये बोलेगा इरफान भाई। नहीं, ये क्या नाम है? अब अभी जस्ट कौन सा केस पड़ा है? सी और एफ के, तो अब कौन आ रहा है? एफ। एफ पे लाएंगे। तो देखो जब एफ पर होगी वस्तु तो कहाँ पे बनना चाहिए?
अनंत तभी तो होगा ना अनंतपति टाइम पर बना है तो अनंत पे बने हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ और ये होगा तुम्हारा सी यहाँ पर है क्या ए बी एक करण कहाँ से लेंगे हमेशा अनंत का इससे लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगी यहीं से जाएगी ठीक है देखो पक्का है तब तय तो समांतर आगे मुख्य अक्ष से ही अब देखो दूसरी करण यही ऑप्शन बचा जितने डिग्री का एंगल है उतने डिग्री से पास आउट हो जाएगी ठीक है ना जितने डिग्री सारी उतने डिग्री से पास आउट हो जाएगी अब सुनो दोनों रे की शक्ल ध्यान से देखो ऐसी लग रही है बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो पैरेलल तो कहाँ पे जाके मिलती है मिलती तो कहीं भी नहीं एक सोच है हमारे ग्रहण पे जाके मिलेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अब सोचो ये अनंत पे जाके मिलेंगी और ये मुख्य अक्ष जो ऐसे हम बढ़ाएंगे उसको तो कितना बड़ा बहुत आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा क्लियर है क्या और वास्तविक ही बनेगा मिलेंगी तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन का मतलब है कि अनंत पे जाएंगी अनंत पे मिलेंगी है ना तो पहला तो क्या है वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा बहुत बड़ा बनेगा और कहाँ पे बनेगा अनंत पे बनेगा कहाँ पे बनेगा कभी कभी मजाक होते तो आज 24 घंटा मजाक चल किसी दिन ऐसे बढ़ाते मारो भूल जाओ सब मजाक कहाँ पे बनेगा और एच डैश बहुत बड़ा बनेगा किससे तो एम बराबर क्या होगा बोलो पहले तो बनेगा तो उल्टा ही तो माइनस का माइनस का एच डैश बटे ये नेगेटिव आएगा नेगेटिव मतलब वास्तविक तो वास्तविक है और ये बहुत बड़ी है इस वैल्यू कम है तो एम की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी किससे तो एम की वैल्यू बहुत बड़ी होती तो आवर्धित बनेगा बहुत बड़ा क्लियर समझ आई बात अब एक केस और रहा है इसका कौन सा एफ और पी के ठीक है अब कौन बताएगा अब अदनान बताएगा तू बताएगी मनीष ये बताएगी निकू का निकी तक सुन लो देखो फोर्थ है सिक्स्थ है फिफ्थ कौन सा केस है और ये केस याद और रखना होता है ठीक है ना ये वैसा बिहेव करने लग जाता है जैसा उत्तल दर्पण करता है इसलिए इसको याद भी रखना पड़ा तो देखो क्या है हाँ सुन लो ये एक स्पेशल केस है इसका देखो ये क्या हो गया अब तलर ये क्या हो गया मुक्त और ये हो गया सपोज दैट वक्रता केंद्र ये हो गया ठीक है ये हो जाएगा इसके बीच में रख दो ठीक है नाम दे दो ए बी ठीक है तो एक रे तो कहां से निकालने बेटा फोकस के एक रे तो मुख्य से समांतर ही लानी कहां से जाएगी तो फोकस कहां से जाएगी फोकस क्लियर है क्या यस सर गई है तो फोकस एक दूसरे के एक ऑप्शन बचा यहाँ से आएगी और जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से चल जाएगी भी नहीं करती। अब देखो इन दोनों पीछे की तरफ देखो तो ये तो क्या होते हैं स्प्रेड ही होती जा रही है डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है बीच में इनका तो कभी नहीं मिले तो फिर अगर परावर्तित किरण नहीं मिल रही है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या करो फिर पीछे की तरफ इनको बढ़ाओ तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगी पीछे की तरफ ऐसे ठीक है ना आप लोग इसके से बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा और इसको बढ़ाओगे पीछे की तरफ तो ये भी ऐसे बढ़ेगा देखो ये भी परावर्तित करें तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ इसे ठीक है और एक ये भी परावर्तित करें इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ ठीक है तो यहाँ तक मीट कर रहे हैं यहाँ पर बिंब बन गया ये बी है तो ए बी डैश और ये ए है तो ए डैश देखो सकाली बड़ी बन गई तो वैसे भी उत्तल दर्पण में बड़ाई बनता है उत्तर के चल अभी तो उत्तल को छेड़ो मत ये देखो क्या बना है बड़ा बना कब जब एफ और पी के मध्य रखा ठीक है ना ये वो कंडीशन है जब हम लोग हमारी फुंसी हो जाती है तो हम बिल्कुल पास आके देखते हैं तो फुंसी बड़ी दिखती है उसमें ताकि हम उसको आसानी से देख लेते हैं जैसे कोई बाल
शेविंग करने वाला कोई बाल रह जाता है ना उसको, तो बाल दिख जाता है उसको, बाल मोटा नजर आता है। रीजन क्या है? हाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट जैसा ही है, बात तो सेम ही है तो दर्पण ना। हाँ। तो समतल दर्पण में भी कब बड़ा प्रतिबिंब नजर आता है? जब हम फोकस और पोल के बीच में होते हैं। जो जो नाई के दुकान में जो कांच होता है ना वो समतल नहीं होता है, थोड़ा सा वक्रित होता है। नहीं, थोड़ा सा वक्रित भी रहता है, वो जो महंगे होते हैं ना वो वक्रित भी होते हैं। हाँ ठीक है ना, ताकि उसको क्या बड़ा प्रतिबिंब नजर आ जाए। उसका मकसद है जैसे कोई बाल रह गया तो बाल नजर आ जाए उसको, ताकि वो कटवा ले आदमी, कटिंग कराने वाले को कोई बाल रह गया तो उसको वो बाल दिख जाए। इसे उसको क्या, उसको खुद से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, इसके लिए वो अवतल दर्पण यूज करेगा। पता है क्या होगा कि उसकी फोकस दूरी और फोकल पॉइंट और ध्रुव दोनों के बीच में कुर्सी लगाता है। उससे क्या होगा, उसका जो आभासी प्रतिबिंब अभी तो बना है, आभासी तो बनता है उसमें, और आभासी बड़े बड़ा बने, बड़ा बनेगा तो क्या होगा, मुंह बड़ा होगा तो वो जो बाल है वो भी बड़ा नजर आएगा, तो कटवा लेगा कोई बाल रह गया तो। वो कुर्सी हमेशा दोनों के बीच लगाता है, ठीक है ना। फिजिक्स तो हर जगह, अगर सोचे आदमी नाई को नहीं पता ना कि चीज का ये दोनों के बीच में रखे, ठीक है ना, वो समझेगा ही नहीं, समझता तो नाई नहीं बनता वो। इतनी फिजिक्स समझेगा तो कहाँ से नाई बनता वो। तो विशेषता देखो प्रतिबिंब की विशेषता नंबर एक आभासी, ठीक है ना, और आभासी सीधे बनते, देखो आ भी गया सीधा और बड़ा, और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो वो आ गया ना आभासी काल्पनिक कहते हैं। यस नहीं लगा पीछे बने उसको कहीं के काल्पनिक, ठीक है तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो एम की वैल्यू ये एच डैश है ना, ये भी मुखक से ऊपर है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पहली बात तो क्या है बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या बताते हैं, आभासी या काल्पनिक या वर्चुअल या अच्छा। और एम की देख लो बड़ी बनेगी क्योंकि बड़ा है ना, तो एच डैश बटे एच तो होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, एम की वैल्यू बड़ी होगी किससे, तो बड़ा बनेगा क्या, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल केस है जिसमें अवतल दर्पण भी आभासी बना देता है प्रतिबिंब, लेकिन उसमें केस ये रखना पड़ को कि जो बिंब है वो दोनों के बीच में होना, ठीक है ना। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं उत्तल, दो ही केस है पूरा, ठीक है ना। आप लोग इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं उत्तल शुरू कर रहा हूँ। इसमें होता है पॉजिटिव, एक में सर इसको वर्क कर दो क्या, 45 मिनट बन गई 45 43 थोड़ा सा वो कर दे पोज बस, वही तो बोल रहे मैं। अच्छा तो इसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इट मीन्स उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें से सिर्फ दो ही केस हैं, कितने केस हैं, रीजन है ना, क्योंकि उसकी जो फोकस है वक्रता केंद्र तो सब तो उधर है ना, जो मैं खुद को ही नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि उस साइड क्या कर रखी है, क्या कर रखी है, ये कारण है। अब देखो सपोज दैट यहाँ पर क्या है फोकस है इसका, और यहाँ पर क्या है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि इधर तो हम मिरर के अंदर तो बिंब को डाल नहीं सकते, कोई ऐसा बच्चा देखा है कोई ऐसी हरकत देखे तुमने कांच के अंदर ही घुस गए तुम, टूट जाता है, ठीक है ना। तो देखो एक तो कहीं पर भी ले लो, एक तो कहाँ पर, एक तो अनंत ले लो, चलो अनंत से ले लो, तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, देखो दो रे लानी है, और दो रे कैसी लानी है, कक्ष के पक्की बात है ना, ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, फिर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यस सर, ब्लैक कलर की स्कूटी की, देखो चालू किसकी ब्लैक कलर की स्कूटी, सर ला
ले बेटा ले किचन तोड़ने के से फेंक फेंक के ठीक है ना, तो पीछे की तरफ बढ़ाया क्या मिलिए, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, तो इन दोनों को भाई साहब दोनों को क्या करेंगे, इनको दोनों को मिलाना चाहे तो मिली नहीं रही, पीछे की तरफ बढ़ाओ तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे, फोकस से बने और प्रतिबिंब कैसे बने आपको नजर आता है बिंदु, तो प्रतिबिंब विशेषता नंबर एक आभासी पहली बात, और आवासीय तो 100% सीधा ही बना होगा सीधा, और तीसरी बात क्या है बिंदुवत, बिंदुवत मतलब पॉइंटेड मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, देखो मैं जब बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता मैं उसको बहुत लिखता हूँ, बहुत ही ज्यादा था बहुत बहुत ये तो बहुत है, चौथी बात देखो कहाँ पर बनेगा फोकस, फोकस पे दर्पण के पीछे फोकस पर, क्लियर है, एम और देख लो इसका याद करो एच डैश सीधा ही बनाऊंगा पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एम की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव होते क्या बनते और एच डैश बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है, ये कम है ये बहुत बड़ा है, तो एम की वैल्यू एक से बहुत कम आई होगी, छोटा देख लो एम की वैल्यू कम मन्ना बिंदु, एक केस और ले लो इसका पास जो तुम्हें नजर आ रहा हो, ये तो अनंत पे था ना पता ही नहीं ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो नजर भी नहीं आया, बना भी नहीं पाए हम लोग, तो दूसरा केस क्या ले लेते हैं, ये कोई परिमित दूरी पर, कोई परिमित है यहाँ पर ध्रुव फोकस वोकस तो कुछ है नहीं है, देख ले कहाँ पर है, तो दर्पण के पास हो या कोई परिमित है दूरी पर, अरे यहाँ कोई एफ सी ये तो नहीं है ना, तो कैसे बोला है, वो तो अनंत था वो बोल दिया, अब अनंत और पोल के बीच है सिर्फ मान लो चाहे ये पोल है अनंत और पोल के बीच, ऐसे कह दो दर्पण के सामने किसी निश्चित दूरी पर जो तुम्हें नजर आ रही हो, तो बोलो दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत और पी के मध्य हो, जब वस्तु अनंत व पी के मध्य हो, या ऐसे बोल दो कोई परिमित दूरी पर हो, परिमित दूरी पर हो, दूरी पर हो जो तुम्हें नजर आ रही हो, तो ये हो गया कौन सा बोलो उत्तल, ठीक है ना, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है ना, यहाँ पे ले लो, ठीक है ए बी आया, ठीक है मुख से समांतर है तो कहाँ से जाएगा 100% फोकस जाएगा, नहीं ये तो भैया ऐसे चल रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से गया है, फोकस से आ रहा होगा, ठीक है, दूसरा दूसरा का ध्रुव से निकाल लो तो ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना, हाँ भाई जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से चला जाएगा, इतना ये मिल रही है बहन जी ना ये मिलना चाह रही तो पीछे की तरफ लो, तो यहाँ पे मिल रही छोटा बन रहा है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, सॉरी फॉर दैट, उत्तल में हमेशा पहले भी तो छोटे बना बंधु हुआ तरंग पे थी और पास लाए तब भी छोटा बन रहा, और पास लाएंगे और छोटा, सारे केसेस में सारे सारे के दो ही केस है, मतलब आप यहाँ अनंत पे रखो चाहे यहाँ रखो कहीं भी रखो यहाँ तक भी रखो बिल्कुल पास भी तब भी उससे छोटा ही बनेगा, ठीक है ना, क्या लिखे छोटा आभासी आवासी सीधा और छोटा बहुत छोटा नहीं, ठीक है, और कहाँ पर पी व एफ के मध्य, क्लियर है, एम और देख लो यहाँ पर एच डैश क्या है कम है एच से, ठीक है ना, एच डैश कम है ये एच डैश है नहीं ये एच है, ऊंचाई को एच मान दो इसको एच डैश, तो कम कौन है एम की वैल्यू होगी कम बटे ज्यादा, पहले तो पॉजिटिव देखो दोनों पॉजिटिव है ना ऊपर बनने दोनों पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आभासी पक्का सही है, और एम की वैल्यू ये ये छोटा है ये बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है तो एक से कम एक से कम का छोटा बनना चाहिए, तो ऑफकोर्स बन रहा छोटा, तो ये हुआ हमारा इमेज है, ठीक है ना, इस वीडियो को एक बार और देखना घर जाके, हाँ बंद कर दो हंसी मजा